पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भाई ललित यादव राहुल वीरेंद्र कुमारी सागवान। कि जो कार्य 10 साल से कोई नहीं कर पाया, इस बार वो कार्य ललित कर जाएगा। और उस बात को, उस मंतव्य को, उस मंसूबे को जब हम सब मिलकर ललित के साथ चलेंगे, तो मैं ये दावे के साथ कहती हूँ कि वो बात भी पूरी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब हम बंद मुट्ठी हैं तो बंद मुट्ठी लाख की होती है और खुली मुट्ठी तो खाक की होती है। एक से एक मिलकर 11 हो जाते हैं और एक मिलते चले जाएंगे तो पता नहीं कितनी बड़ी श्रृंखला बन जाएगी, और इतनी बड़ी श्रृंखला बन जाएगी कि जीत अपने आप हमारे पास आ जाएगी। मैं तो ये कहूँगी कि ललित का व्यवहार, ललित का आचार विचार और ललित का खुद का एक भरोसा, ये दर्शाता है कि हम जीत की ओर हैं और जीत कर आएंगे। आज 25 तारीख हो गई, 19 को अपना चुनाव है, कुछ दिन नहीं बचे हैं। मैं ये भी मानती हूँ कि 5-7 दिन फसल के अभी हमारे बचे हुए हैं, लेकिन फिर भी 27 तारीख का समय हम सब ने निकालना है। गाड़ियाँ आपके यहाँ पहुँच जाएंगी, आपको भर भर के अलवर पहुँचना है और उसके बाद आप एकजुट होकर, एक से एक मिलकर आप 18 तारीख की रात तक और फिर सुबह वोटों को निकालने का काम 19 को आपने करना है और शाम तक वोटें निकाल कर आपने वोट डलवानी है। ऐसा अगर हम करते हैं तो इस बार ये निश्चित है कि हम जीत रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अग्रिम बधाई देती हुई ललित बच्चे को कि आप जीत चुके हैं, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी। हमें अगर शिकार करना है शेर गिदड़ का, तो हथियार हमने शेर के रखने हैं। आप ये मत सोचो कि हम सब एक हैं तो कहीं ना कहीं सेंधमारी नहीं होगी, कहीं हमारे साथ धोखा नहीं होगा। सब कुछ हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, हर चीज़ यहाँ पर संभव है। तो आप सावधान रहें, आप अपने गांव में चौकसी रखें, आप अपने वोटर्स को संभाल कर रखें। जब हम जीतेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि हमारा अपना बच्चा जीत गया, हमारे क्षेत्र का है। शाम को ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो सुबह मिल जाएगा। ऐसा सोचकर हम ललित का साथ देते हैं तो ललित जीत जाएगा। अगर आप ये सोचते हैं कि कोई नहीं, हम पता नहीं किसके बहकावे में आके कहीं कुछ और निर्णय लें, तो वो निर्णय शायद हमारे और आपके लिए गलत होगा। क्योंकि जब हम किसी को ढूंढने निकलेंगे तो शायद हमें कोई दिल्ली से पहले नहीं मिलेगा, और गेट पर कोई घुसने दे या नहीं घुसने दे, ऐसा अनुभव कईयों का हो चुका है कि गेट पर खड़ा भी नहीं होने देते। ललित को तो हम भीतर तक जाकर उठा सकते, उठले भाई तेरी